जो कैटल का फार्म है जो नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड में हम लोगों को देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं द कैटल फार्म्स इन द नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड नोन एज रैंच तो जो कैटल फार्म है नॉर्थ अमेरिका का उसको रेंचेज बोला जाता है नेम द रिवर दैट ड्रेन्स द वेल्ड वेल्ड जो है जो कि साउथ अफ्रीकन टेम्परेट ग्रासलैंड है तो वहाँ पर जो रिवर है वो कौन सा रिवर ड्रेन करता है द रिवर दैट ड्रेंस द वर्ल्ड आर द ऑरेंज एंड द लिम्पोपो रिवर जो ऑरेंज रिवर है जो लिम्पोपो रिवर है ये वर्ल्ड को ड्रेन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन इज़ द रेनी सीजन इन द वर्ल्ड वर्ल्ड्स में जो रेनी सीजन है वो किस टाइम पर आता है तो द रेनी सीजन इन द वर्ल्ड इज़ फ्राम नवम्बर टू फेबररी नवंबर से फेबररी का जो पीरियड रहता है उस पीरियड को हम लोग रेनी सीजन में कंसिडर करते हैं वाट इज़ द मेजर ऑक्युपेशन ऑफ पीपल ऑफ़ द साउथ अफ्रीकन ग्रास लैंडस जो साउथ अफ्रीकन ग्रास लैंड है यानी जो वर्ल्ड है वहाँ के पीपल का मेन ऑक्युपेशन क्या है शिप रियरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल अदर मेजर ऑक्युपेशन इंक्लूड डायरी फार्मिंग एंड माइनिंग जो अफ्रीकन ग्रास लैंड के पीपल है उनका मेन ऑक्युपेशन शिप रियरिंग है और वहाँ का एक और मेजर इकोन मतलब ऑक्यूपेशन का जरिया है वो है डायरी फार्मिंग डायरी फार्मिंग का मतलब होता है कि गाय लोग का पालन करना और उनसे जो प्रोडक्ट आता है उसको सेल करना उसको डायरी फार्मिंग बोलते हैं और माइनिंग का काम करना टिक द करेक्ट आंसर द रिवर मेसीसिपी ड्रेन जो मेसीपी रिवर है वो कहाँ ड्रेन करती है तो वो यूएसए में ड्रेन करती है नेक्स्ट है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन आर टू द वेस्ट ऑफ़ जो ड्रैकेंस माउंटेन है वो किस चीज़ के वेस्ट में है वेस्ट यानी कि इस साइड में वेस्ट में ड्रैकन्स माउंटेन किस साइड में है वर्ल्ड तो वर्ल्ड के वेस्ट साइड में जो ड्रैकेंस माउंटेन है इसको देखने को मिलता है मिलता है मेरी मेरियोन, मेरीनो इज़ अ स्पीसीज ऑफ़ जो मेरीनो है वो कैची का स्पीसी है तो ये एक शिप का स्पीसी है जिसका वुल जो है बहुत गर्म रहता है कैम्बर्ली इज़ फेमस फॉर कैम्बर्ली जो है वो कैची के लिए फेमस है तो डायमंड के लिए फेमस है कैम्बर्ली फिर मैच द फॉलोइंग्स है तो यहाँ कॉलम ए है और कॉलम बी है उसको मैच करना है काउबॉय बॉय गोल्ड कुदू चिनोक कोल और कॉलम बी में आयरन एंड स्टील प्रेयरीज हॉटविन वेल्ट जो हैंसबर्ग और एनिमल तो जो काव बॉयज़ है वो प्रेयरीज में हम लोग को देखने को मिलता है प्रेयरीज जो है ये तो जो प्रेयरी है वो नॉर्थ अमेरिकन टेम्परेड ग्रास लैंड है तो वहाँ पर हम लोगों को काओ को देखने को, मतलब काओ बॉयज जो होता है वो लोग को देखने मिलता है गोल्ड के लिए फेमस है जोहैंसबर्ग जोहैन्सबर्ग अफ्रीका में एक जगह है और ये गोल्ड माइनिंग के लिए बहुत फेमस है यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कुद्दू एक टाइप का एनिमल है फिर चिनुक ये एक हॉट विंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में ब्लो करता है फिर कोल जो है इससे स्टील आयरन एंड स्टील के लिए बन मतलब तो जो कोल आयरन और स्टील है ये एक तरह का मिनरल है इसलिए इसको यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन है गिव रीजंस का द प्रेयरीज आर नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड जो प्रेयरीज है नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड वो उसको हम लोग ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं

यहाँ पर जो सॉयल होता है वहाँ पर हाई कंटेंट ऑफ ह्यूमस पाया जाता है जो कि वीट का प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल रहता है और जितना भी न्यूट्रिएंट्स लगता है वो सफिशिएंट अमाउंट में दे सकता है द टेम्परेचर इन द्रेअरीज आर आल्सो सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ़ फ्रूड क्रॉप्स जो फ्रू फूड ग्रॉप्स है उसको कल्टिवेट करने के लिए प्रेयरीज में एक एक्यूरेट टेम्परेचर दिया हुआ है तो ये सब रीजन की वजह से प्रेयरिस जो है उसको ग्रेनरीज ऑफ़ द वर्ल्ड बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज ऑफ़ वुल इन द इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड मतलब कि जो इंडस्ट्रीज है उसमें वल्ड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा है वर्ल्ड में तो ऐसा क्यों हो रहा है तो राइज़ ऑफ वुल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ पीपल शीप रियरिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग देयर शीप आर बियर मेनली फॉर वुल एंड ऑल्सो शिप इज़ अ पॉपुलर स्पीसीज देयर हुज़ वुल इज़ वेरी वार्म तो जो वर्ल्ड है वहाँ पर वुल इंडस्ट्री का राइज देखने को मिल रहा है इसका एक रीज़न है कि वहाँ पर जो पीपल है वो लोग का मेन ऑक्यूपेशन ही है सिप रियरिंग का और सिप से हम लोग मेनली वुल कलेक्ट कर सकते हैं और जो उसमें एक खास स्पीसीज़ देखने को मिलता है मरीनोशिप का तो ये मरीनोशिप का जो वुल रहता है ये बहुत ज़्यादा वार्म रहता है तो इसके वजह से मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है और इसी के वजह से वुल इंडस्ट्री जो है ये दिन पर दिन राइज करते जा रहा है